कोई मायने ऐसा विशेष क्या है, इस पर बड़ा स्पष्ट है। 22 में भी समाजवादी पार्टी प्रमुख क्लेमेंट थी, थोड़े से वोट से मिस कर गई। 24 में भी पार्टी ने प्रदेश में लीड किया, तो लोगों कार्यकर्ताओं की कुछ लोगों की भावना रही होगी कि 27 में तो निश्चित तौर पर सरकार बननी चाहिए, और ऐसे कार्यकर्ताओं की भावनाएं होती हैं वो अपनी व्यक्त कर देते हैं, इसका पार्टी का सीधा लेना देना कुछ नहीं है। सर, लगातार सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नजर बनाए हुए है और बुलडोजर एक्शन को लेकर के प्रदेश सरकार को चेताया है, आप लोग इस घटना को कैसे? अब बात बुलडोजर एक्शन से आगे चली गई है। दैनिक भास्कर के स्टिंग में ये स्पष्ट हो गया है कि ये दंगा भारतीय जनता पार्टी के काडर ने किया, योजनाबद्ध तरीके से किया और पुलिस की सहमति से किया। पुलिस ने समय दे के टाइम दिया कि इतनी देर में जो करना है कर लो, और उनको ये मलाल भी है कि बहुत ज्यादा कर सकते थे लेकिन कुछ कार्यकर्ता साथी आए नहीं। इसके साथ साथ वहां के विधायक ने भी स्पष्ट तौर पर मुकदमा लिखा के बता दिया कि उनके विधायक, उनके बेटे से लेके उन पर भी दंगाइयों ने टारगेट किया जो उन्हीं की पार्टी के हैं। तो ये स्पष्ट है कि अब केंद्र सरकार, हमारी सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा है और केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जिम्मेदारी तय करे, प्रदेश सरकार जिम्मेदारी तय करे, और सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा है कि इस पे सख्त संज्ञान लेके, बात बुलडोजर एक्शन की नहीं है, बात असली दंगाइयों को चिन्हित करके और सरकार में बैठे जो दंगाई दंगा कराने में लगे थे उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, पहली बार एक महीने में हरियाणा खेतों में पराली जलाई गई है, सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले अगर चिंता जाहिर नहीं, ये चिंताजनक विषय है। अगर ऐसा हुआ है तो पराली को प्रदेशों में बांटने की आवश्यकता नहीं है, पराली अपने आप में प्रदूषण की और पराली एनवायरमेंट के लिए एक बड़ी समस्या है। इस पर राज्य सरकारों से बात करके केंद्र सरकार को निश्चित तौर पर कोई स्कीम बनानी चाहिए, जितना भी फंडिंग या मदद की जरूरत हो वो मदद करनी चाहिए ताकि पराली का सही निस्तारण हो सके, किसान को उसका मूल्य मिल सके और पराली का सही उपयोग हो सके। सर, प्रियंका गांधी वाड्रा आज राजनीति में पदार्पण करने जा रही है, वह रोड शो के बाद नामांकन दाखिल करेंगी। राजनीति में तो वो पहले से हैं लेकिन चुनावी पॉलिटिक्स में पहला इलेक्शन लड़ रही हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम तो निश्चित तौर पे आशा करते हैं कि वो राहुल जी से भी ज्यादा वोट से जीतें। इंडिया गठबंधन के और भी उम्मीदवार जो जहां लड़ रहे हैं सब जीतें और प्रियंका जी बड़ी नेता हैं, बड़ी जीत जीतें। कोई मायने ऐसा विशेष क्या है, इस पर बड़ा स्पष्ट है। 22 में भी समाजवादी पार्टी प्रमुख क्लेमेंट थी, थोड़े से वोट से मिस कर गई। 24 में भी पार्टी ने प्रदेश में लीड किया, तो लोगों कार्यकर्ताओं की कुछ लोगों की भावना रही होगी कि 27 में तो निश्चित तौर पर सरकार बननी चाहिए, और ऐसी कार्यकर्ताओं की भावनाएं होती हैं वो अपनी व्यक्त कर देते हैं, इसका पार्टी का सीधा लेना देना कुछ नहीं है। सर, लगातार सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नजर बनाए हुए है और बुलडोजर एक्शन को लेकर के प्रदेश सरकार को चेताया है, आप लोग इस घटना को कैसे? अब बात बुलडोजर एक्शन से आगे चली गई है। दैनिक भास्कर के स्टिंग में ये स्पष्ट हो गया है कि ये दंगा भारतीय जनता पार्टी के काडर ने किया, योजनाबद्ध तरीके से किया और पुलिस की सहमति से किया। पुलिस ने समय दे के टाइम दिया कि इतनी देर में जो करना है कर लो, और उनको ये मलाल भी है कि बहुत ज्यादा कर सकते थे लेकिन कुछ कार्यकर्ता साथी आए नहीं। इसके साथ साथ वहां के विधायक ने भी स्पष्ट तौर पर मुकदमा लिखा के बता दिया कि उनके विधायक, उनके बेटे से लेके उन पर भी दंगाइयों ने टारगेट किया जो उन्हीं की पार्टी के हैं। तो ये स्पष्ट है कि अब केंद्र सरकार, हमारी सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा है और केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जिम्मेदारी तय करे, प्रदेश सरकार जिम्मेदारी तय करे, और सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा है कि इस पे सख्त संज्ञान लेके, बात बुलडोजर एक्शन की नहीं है, बात असली दंगाइयों को चिन्हित करके और सरकार में बैठे जो दंगाई दंगा कराने में लगे थे उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, पहली बार एक महीने में हरियाणा खेतों में पराली जलाई गई है, सुप्रीम कोर्ट लगातार इस अगर लेकर के चिंता जाहिर नहीं, ये चिंताजनक विषय है। अगर ऐसा हुआ है तो पराली को प्रदेशों में बांटने की आवश्यकता नहीं है, पराली अपने आप में प्रदूषण की और पराली एनवायरमेंट के लिए एक बड़ी समस्या है। इस पर राज्य सरकारों से बात करके केंद्र सरकार को निश्चित तौर पर कोई स्कीम बनानी चाहिए, जितना भी फंडिंग या मदद की जरूरत हो वो मदद करनी चाहिए ताकि पराली का सही निस्तारण हो सके, किसान को उसका मूल्य मिल सके और पराली का सही उपयोग हो सके। सर, प्रियंका गांधी वाड्रा आज राजनीति में पदार्पण करने जा रही है, वह रोड शो के बाद नामांकन दाखिल करेंगी। राजनीति में तो वो पहले से हैं लेकिन चुनावी पॉलिटिक्स में पहला इलेक्शन लड़ रही हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम तो निश्चित तौर पर आशा करते हैं कि वो राहुल जी से भी ज्यादा वोट से जीतें। इंडिया गठबंधन के और भी उम्मीदवार जो जहां लड़ रहे हैं सब जीतें और प्रियंका जी बड़ी नेता हैं, बड़ी जीत जीतें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।